सो दोस्तों यार, वॉच टाइम को बढ़ाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और काफ़ी आप सर्च करते हो यूट्यूब पर वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, तो ऐसे कुछ प्रकार से वीडियोस आते हैं जो मल्टी ब्राउजर्स का यूज़ करके बोलते हैं कि मोबाइल से वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन गाइस, जिनका वीडियो देखते हो आप लोग, इनकी ट्रिक्स अप्लाई करते हो, मोबाइल से वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हो, मल्टी ब्राउजर से वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हो, आपका वॉच टाइम बढ़ता है, व्यूज़ बढ़ता है, लेकिन वापस से आपका डिक्रीज हो जाता है, आप लोग काफ़ी परेशान होते हो। गाइस, मैं भी इस दौर से गुजर सकता हूँ, क्योंकि गाइस मैं भी पहले इनके वीडियोज़ देखता था, वॉच टाइम बढ़ाता था मल्टी ब्राउजर से अपने मोबाइल से, दो दो तीन तीन घंटे तक मैं वीडियो को चलाता था मल्टी ब्राउजर से, वॉच टाइम बढ़ता था, व्यूज बढ़ता था और थोड़ी देर में वापस से डिक्रीज हो जाता था, क्योंकि गाइस पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आपको जो मल्टी ब्राउजर से वॉच टाइम बढ़ता है वो वापस से डिक्रीज हो जाता है, उसको आप कैसे रोक सकते हो, उसकी प्रॉब्लम होती है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होगा, सिर्फ एक घंटा या दो घंटा देना होगा और आप लोगों का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और डिक्रीज होना भी कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, और आपके चैनल मोनिटाइज होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में मेरा भी ये चैनल मोनिटाइज नहीं था तो वॉच टाइम चाहिए था, तो मैंने भी इस प्रकार से करने की कोशिश की थी, तो वॉच टाइम मेरा डिक्रीज होता था। तो मैंने काफ़ी सारी सर्च किया, रिसर्च किए, गूगल पर देखा और मैंने अपना जो ट्रिक है वो अप्लाई किया और मेरा आज वॉच टाइम भी आप लोगों को सामने है, वॉच टाइम भी बढ़ चुका है और मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो चुका है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना अगर आप चाहते हो कि अपना चैनल मोनिटाइज हो, तो और सिर्फ मोबाइल से ही आप कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी भी लैपटॉप और किसी की पीसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिक्स वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, छोटी मोटी अपडेट होती है, मैं यूट्यूब से पहले ही आपको इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम पर दे देता हूँ, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। भले चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं पहले ही अपडेट दे देता हूँ यूट्यूब से पहले ही। तो मोबाइल स्क्रीन क्यों चलूँगा और आप लोगों को समझाऊंगा किस प्रकार से आप अपना वॉच टाइम को बढ़ाते हो और किस प्रकार से उनको डिक्रीज होने से बचा सकते हो। अपने मोबाइल स्क्रीन क्यों, सिंपली आपको अपने यूट्यूब के अंदर चले जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर मेरा टर्न ऑफ इकोनॉमिक मोड है, तो आपको टर्न ऑन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है आपको टेक के वो, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे मेरा चैनल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट बना लेनी है। यहाँ पर थ्री डॉट्स जाना है, शेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, वो आपको जो भी मल्टी ब्राउजर्स का वेबसाइट यूज़ कर रहे हो वो आपको यूज करना है। जैसे कि मैं ये अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने एक दिया हुआ है VPN, वो VPN को आपको इंस्टॉल कर लेना जो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इंस्टॉल कर लेना। ये आपको बेस्ट सर्वर कनेक्शन स्पीड सब कुछ प्रोवाइड करता है, वो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन जो भी है मेरे पास, ये एप्लीकेशन है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कितना टैब आप चलाना चाहते हो, तो मैं 100 टैब्स अपने वीडियो के अंदर चलाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर एड आता है, तो एड आपको हटा देना है। यहाँ पर मैं पहले ये एड आ रहा, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये एड मैंने हटा दिया, यहाँ पर से आपको हटा देना है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी आपको यहाँ पर अपना वीडियो का लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करते ही फिर से एक एड आएगा, इस एड को आपको देख लेना है पूरा जितना हो सकता है। फिर आपको यहाँ पर एक क्रॉस का मोड आएगा, तो आपको यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर फिर से आएगा, थोड़ा एड की प्रॉब्लम रहती है लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। फिर गो पर करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे वॉच टाइम है वो अपना यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या होगा कि इससे आपके बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये यूज करना है जिससे कि आपका जो सफल मोड होगा, जो आपका प्लेलिस्ट की होगी, वो अपने आप चलती रहेगी, आपके बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आपके चलते रहेंगे और आपका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। तो इस ट्रिक को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत मज़ा आएगा, तो इसे अप्लाई करके आप लोग देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।